वकार भाई, देखिए एसआई का सर्वे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सर्वे चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, निचली अदालत के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रमाण मिलेंगे तो क्या होगा। देखिए आदरणीय न्यायालय का सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य रहा है और सबने किया है। रही बात मुस्लिम समाज ने, कभी भी आजाद भारत में ऐसा कोई भी ऐसा वाकया या इंसिडेंस नहीं रहा है कि मुस्लिम समाज ने देश में फूट डाली। रही बात आज की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भारत सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश का सत्यानाश करने वाले हैं राजनीतिक हिंदू और राजनीतिक मुसलमान, जिनको कि धर्म से। अच्छा कितने हैं ये राजनीतिक हिंदू? देखिए ये सारा ठीकड़ा आप लोग जो फोड़ देते हैं ना कि राजनीतिक हिंदू राजनीतिक मुसलमान, मुझे इस बात पर एतराज है। ये मुट्ठी भर लोग हैं और आप कितने हैं बताइए। अगर पूरा मुसलमान समाज ये तय कर ले कि ज्ञानवापी पर बैठकर हम फैसला कर लेंगे और योगी जी ने जो समाधान का रास्ता बताया है उस पर फैसला कर लेंगे, तो कौन आ जाएगा बीच में? ये बड़े बड़े राजनेता जो बन जाते हैं मुस्लिम समुदाय से या हिंदू समुदाय से, वो कहां से आते हैं? इन्हीं जनता की सपोर्ट चाहते हैं ना। देखिए जनता तो बेचारी सीधी साधी है, जो उनके मन में ठूस देंगे आप। ये बढ़िया है, जनता सीधी साधी है, नेता सब कुछ कर जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को भेड़ और बकरी बना दिया है इस देश की राजनीति ने। इस देश के आज कोई व्यक्ति नहीं ये चर्चा करता कि यहाँ का मैं, आप मुस्लिम समाज से आते हैं ना, भारत समाज भारतीय हैं, ठीक है सर। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, दुनिया का सबसे बड़ा। बहुत अच्छी बात है सर। अरे सुन लीजिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात, बकार जी मेरी बात तो सुनिए। आप इतने अच्छे, इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि योगी जी ने जो समाधान का रास्ता बताया उस पर मुस्लिम समाज चलने के लिए तैयार है या नहीं है, बताइए। नेताओं को छोड़ दीजिए, योगी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं ना। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस विषय पर कैसे टिप्पणी कर सकता? मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति समाधान की बात तो कर सकता। अरे समाधान की बात विचाराधीन है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ समाधान मामला कोर्ट। अरे अभी चले जाइए कोर्ट में, कहिए कि हम आपसी में आपस में सुलझा लेंगे, तो कोर्ट कहेगा जाइए सुलझा लीजिए। ये आप लोगों को मतलब क्या कर रहे हैं, भड़काने का? ना मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे पूछ रहा हूँ। आज इस देश की पहली बार मेरा सीधा सवाल है कि मुस्लिम समाज क्या योगी जी के समाधान वाले रास्ते पर जा सकता है या नहीं जा सकता है? जवाब नहीं है आपके पास, निश्चित है, बोलना चाहते हैं जवाब। इस देश में कोर्ट कचहरी न्यायालय तो है किस लिए? अगर हर एक आदमी को केवल राजनीतिक रोटी सर, मुझे ये बताइए कि समाधान होता है कोर्ट कचहरी न्यायालय के बाहर कि नहीं होता है कि नहीं है? अरे मैं राजनीतिक है मुद्दा कैसे है बताइए, राजनीतिक है कैसे कैसे है बताइए? आज तक ये मुद्दा मतलब जो है कि आपके पीछे भाग फेंका हुआ था। अभी 2024 का इलेक्शन है, फिर वही हिंदू मुस्लिम। पिछले 9 साल से मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ आपसे भैया कि अगर इस देश में मुसलमान ना होता, सुनिए, तो राजनीति भारत की आज होती कहाँ? मैं पूछ रहा हूँ ये राजनीतिक मुद्दा कैसे सत्ता लेते हैं? राजनीतिक ज्ञान वापी आस्था का, मैं एक सेकंड रुक जाइए, ज्ञान वापी आस्था का मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है? आस्था का मुद्दा है, इसे राजनीतिक नहीं देखना चाहिए, आस्था का मुद्दा है। ये आस्था का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। एक सेकंड थोड़ा सा, ये बाबा का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। देखिए मुंह में दांत टूट गया है बाबा के, लेकिन एकदम बोलने के लिए तैयार है। कोर्ट का फैसला जो भी हो, जनता का फैसला यहाँ फाइनल हो चुका है और बनेगा यहाँ मंदिर ही। जनता का फैसला फाइनल हो चुका है, जनता का फैसला चुनाव में फाइनल होता है। आप लोग थोड़े थोड़े पीछे आ जाइए, लेकिन बीजेपी नेता हमारे साथ, मैं आ रहा हूँ सर, अपनी अपनी जगह पर आप लोग सब लोग आ जाइए। बीजेपी की नेता हमारे साथ आ गई, सुष्मिता सेठ जी, कहाँ रह गई थी आप? जाम में फंस गई थी जी, जाम में फंस गई जी। मैं उधर इंतजार कर रही थी कि सर्वे की टीम बाहर आएगी, मिलके ही जाएंगे। ज्ञान वापी पे थी और वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारे अपने अपने हर्ष को लाश को हम लोगों ने धन्यवाद दिया, पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों। सर्वे वाली टीम से बात हुई जी? बिल्कुल हुई। क्या कह रहे हैं, क्या क्या सबूत आज मिला है? त्रिशूल मिला है, कमल मिला है, सब तो पहले से ही, अभी नया वाला बताइए। आज कुछ बताया उन लोगों ने कि नहीं बताया? अभी नहीं कुछ बताया, वहीं पे थी मैडम, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या क्या मिला। लेकिन कोर्ट का भी मामला है रोशनी जी, तो इसमें वो लोग थोड़ी सी झूठ से भरे हुए भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सच बोलने का काम करे कम से कम नेशनल टेलीविजन। सभी जानते हैं कि एक मिनट, जितने भी साक्ष्य मिले हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं सारे प्रमाण, जो भी कमल त्रिशूल, हमारा शिवलिंग वहाँ पे प्राचीनतम, ये हमारे प्राचीनतम काशी विश्वनाथ जी हैं और बाबा ही हैं वहाँ पे। सुनिए, लेकिन वकार भाई हैं, देखिए बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं ये आस्था का नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है।
किसने कहा ये राजनीतिक मुद्दा है, ये हमारे 125 करोड़ प्रदेश देशवासियों की आस्था का सवाल है। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे पूरा विश्व तो सनातन धर्म बीजेपी का हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा कि बीजेपी का है? मैं निष्पक्ष होकर बात कर रही हूं। कह रहे हैं सर कि सब बीजेपी को फायदा हो जाएगा इससे। कोई नहीं, बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा? बीजेपी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी को भाई, मैंने आपसे क्या कहा कि श्री राहुल गांधी, आज राहुल गांधी की सदस्यता बचाने पूरी कांग्रेस पार्टी और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन क्या वही वकील ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ के लिए क्या एक भी पिटीशन का काम किए हैं?